प्रिय विद्यार्थियों, आरसीए की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, यदि A1, A2, A3 डॉट 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 AN हरात्मक श्रेणी में है, जिसको हम HP में है बोल दिया है, और तब अपने को ज्ञात करना है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 AN बराबर है। और ये आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन वन है एन ए वन ए एन, बी ऑप्शन है N-1 A1 AN, सी ऑप्शन है N+1 A1 AN और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब आपको ये पता लग जाए कि किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो आपको क्या यूज करना है देखिएगा। पुट टू थ्री, ये सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि किसी भी श्रेणी को बताने के लिए कि ये AP है, GP है या HP है, तो कम से कम पदों की आवश्यकता होती है। तो कम से कम जब तीन पदों की आवश्यकता है तो n=3 लिख दिया। तो देखो, आप इसमें रख के देखो, पहले n=3 रखो यहाँ पर, तो A3 बना। इसका मतलब इसका अंतिम पद क्या है, A3। तो आप लिख सकते हो A1 A2 A3 R in HP, ये बोल दिया किसमें है, हरात्मक श्रेणी में है। और ये मैंने आपको बताया है A1 क्या लोगे, 2, 3, 6, ये भी किसमें है, R in HP, यानी हरात्मक श्रेणी में है। तो देखिए बच्चों, A=2, A2=3 और A3=6, ये आपको याद रखना है। 2, 3, 6 मैं लिखवा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो A1=2, A2=3, A3=6 आ गया। अब आप N=3 कहाँ पर पुट करेंगे, N=3 यहाँ पर अंतिम पद में रख के देखो। तो ये अंतिम पद में जब 3 रखा आपने, तो A3-1 क्या होगा, A2, और ये क्या होगा, A3, यानी A2 A3। आप N=3 रख के देखो ना, A3-1 क्या होगा, A2, और यहां से क्या हुआ, A3। तो अंतिम पद क्या आया, A2 A3। इसका मतलब आपको यहां तक लिखना है, इसके आगे आपका कोई काम का नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इसको एक अच्छे मेथड का यूज करते हुए, समय की बचत करते हुए करना उचित समझा है। तो देखिएगा, आपके पास क्या मिला, A1 A2 प्लस A2 A3, क्योंकि अंतिम पद यहां तक चलना था, इसमें रखो ना N=3, तो अंतिम पद ये बन रहा है, मतलब इसके आगे का अपना कोई काम का नहीं है, केवल आप दो पदों को यूज करो। अब दो पदों को यूज किया तो क्या बन के आया, यहाँ पे A1 A2 क्या होगा, 2 × 3 प्लस A2 A3 क्या होगा, 3 × 6, तो यहां से क्या हुआ, 6 + 18 यानी 24। अब ये 24 आया ना, तो अब हमारा जो ऑप्शन हमें 24 देगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है सब्जेक्टिव में, और वो कम से कम 1 से 1.5 पेज का होता है, लेकिन हम यहाँ पर पूरा टाइम भी बचाएंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ टाइम भी हमको ज़्यादा खराब नहीं करना। इसलिए ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, इन मेथड से आप श्रेणी के लगभग आप ये मान के चलो कि 90% क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, और 10% क्वेश्चंस जो बचेंगे वो जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे उस टाइम में आपको उनके भी मेथड बताऊंगा। तो देखिएगा, अब आपके अनुसार उत्तर क्या आना चाहिए, 24। अब देखेंगे कि 24 हमारा कौन सा ऑप्शन देगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए N A1 AN, तो देखो N=2 क्या रखना था, 3, तो 3 A1 A3, और ये हमने क्या लिया है, 3 A1 का वैल्यू 2 अभी बताया है मैंने, और A3 का क्या है, 6, तो ये क्या आया, 36 आया। 36 का चाहिए हमें, तो 24 चाहिए। ऐसे देखो, बी ऑप्शन चेक करो, N-1 A1 AN, तो देखो 3-1 A1 A3, भाई N=3, देखो यहाँ पे N है तो 3 रख दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 ×
थ्री और ये क्या आया 12, ये भी हमारा क्या हो गया गलत। ओहो यहाँ पे ए थ्री का वैल्यू 6 रहा है तो 3-1 क्या होगा 2 और ए वन का वैल्यू 2 और ए थ्री का वैल्यू 6 तो ये हमारा क्या आया 24। देखो आंसर हमें पता लग गया कि ये हमारा आंसर है लेकिन आप इसके अगला भी चेक करके देख लो एन प्लस वन ए वन ए एन तो क्या होगा 3+1 और ए वन और ए थ्री तो यहाँ क्या आया 4×2×6 और ये क्या आया 48 तो हमारा ये भी आंसर गलत हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ है बी क्योंकि बी में 24 और हमने जब सॉल्व किया था उस टाइम भी 24 आया था तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।